नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। उपचुनाव की अग्नि परीक्षा को लेकर आज के एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र नरुका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। अगर बात करें एक सीट पर बीजेपी काबिज थी तो वहीं 6 सीटों पर विपक्षी दलों का कब्जा था। इस उपचुनाव में एक ओर जहां सरकार की अग्नि परीक्षा है, सत्ताधारी दल की अग्नि परीक्षा है, बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि इन सीटों में से अधिकांश सीटों को हथिया लिया जाए और एक पब्लिक में मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि गुड गवर्नेंस पर जनता ने मुहर लगा दी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़ी अग्नि परीक्षा विपक्षी दलों की भी यहां मानी जा रही है, क्योंकि अधिकांश सीटें, 7 में से 6 सीटें जिन पर विपक्षी दलों का कब्जा था, ऐसे में गठबंधन नहीं होना कितना बीजेपी के लिए फायदेमंद है या फिर विपक्षी गठबंधनों के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए दोनों प्रवक्ता मेरे साथ हैं। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से गठबंधन की उम्मीद लगाई जा रही थी लोकसभा चुनाव में, गठबंधन के साथ में आपने चुनाव लड़ा और उसमें काफी हद तक आपको सफलता मिली, क्लीन स्वीप की बातें की जा रही थी, बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया, लेकिन उपचुनाव में अगर ये आपका फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में सही जा रहा था, विधानसभा चुनाव उपचुनाव में क्यों नहीं इस फॉर्मूले पर आगे बढ़े जिससे कि बीजेपी की राह आसान होती नजर आ रही है। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि भाई लोकसभा में हम लोगों ने गठबंधन किया, लेकिन जनता का मन जब हमने टटोला, जनता के बीच हम जब गए, तो जनता का बहुत ही स्पष्ट तरीके से था, जो कांग्रेस से विचारधारा रखते हैं, कांग्रेस के प्रति जो समर्पित हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने, नीचे से पदाधिकारियों ने, सभी का मन था कि अब की बार हमें चुनाव जो है बिना गठबंधन के लड़ना चाहिए। तो आलाकमान ने सभी की सहमति से, सभी नेताओं की सहमति से और सभी जगह जो उपचुनाव जिन जिन सीटों पे हो रहे हैं सभी से फीडबैक लेने के बाद में और ये निर्णय लिया। और उपचुनाव हमें बिल्कुल ठीक था कि लोकसभा में हमने गठबंधन किया और हमें बड़ी सफलता हासिल हुई, लेकिन निश्चित रूप से हम फिर से बाजी मारेंगे। उस दौरान भी बीजेपी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही थी कि हम खाता नहीं खुलने देंगे और हमारा रिजल्ट सबके सामने है। ये कोई चौंकाने वाले रिजल्ट नहीं थे। कांग्रेस सरकार ने काम के बल पे, जो कांग्रेस सरकार ने काम किया था और लोकसभा में हमने एक बड़ी जीत हासिल की और उसी जीत के साथ में, और अभी उपचुनाव की जो बात है तो निश्चित रूप से क्या किया सरकार ने सबके सामने, सिर्फ छोटी घोषणाएं और एमओयू किए, लेकिन क्या किया, कैसे किया, ये इससे भी जनता को काफी दूरी है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ना कोई वैकेंसीज है, ना कोई टेंडर्स है, ना कोई काम हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम हमारी सीटों पे पूर्ण रूप से विजयी होंगे। वही मेरा सवाल था जितेंद्र जी। दरअसल जिस प्रकार से आपने कहा कि लोकसभा चुनाव था, हम पूरे तल्लीनता के साथ में उस चुनाव में गए, गठबंधन किया और जीतने की नियत से वो चुनाव लड़ा, तो क्या ये जो चुनाव है, इस चुनाव को इस प्रकार से लड़ा जा रहा है कि जैसे जिस प्रकार से क्रिकेट की सीरीज होती है, 3 मैचों की सीरीज होती है, 2 मैच अगर सामने वाली टीम जीत चुकी है तो 3रा जो मैच है उससे कोई सीरीज के नतीजे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे ही जैसे सरकार है, सरकार गिरेगी या सरकार बची रहेगी, सरकार के अस्तित्व पर कोई संकट इस उपचुनाव से आने वाला नहीं है, तो ऐसे में क्या ट्रायल मैच की तरह जिस प्रकार से ट्रायल किया जाता है, खिलाड़ियों को उतार दिया जाता है, एक्स्ट्रा प्लेयर्स को भी मैदान में उतार दिया जाता है, तो क्या टेस्टिमोनियल के लिए इस उपचुनाव को हल्के में लिया गया कांग्रेस की ओर से? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया गया। ये तो बीजेपी वालों की एक अफवाह है और बीजेपी आज सत्ता में है, जिस तरीके से मशीनरी का वो दुरुपयोग करेंगे, सबको पता है कि बीजेपी किस तरीके से अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करती है। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरे एजेंडों के साथ, पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम सभी सीटें फतेह करेंगे, इसमें किंतु कोई किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है। ना कोई हम हल्के में चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारी लोकसभा में परफॉर्मेंस थी, इसी तरीके से हमारी परफॉर्मेंस आने वाले उपचुनाव में, कमल जिस तरीके से गुमराह कर रहा है हमारी जो पब्लिक है, हाथ के पंजे पे बटन दबाकर और बहुमत हासिल करेगी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से जितेंद्र जी कह रहे हैं कि 7 की 7 सीटों पर क्लीन स्वीप किया जाएगा, जनता उनके साथ है, हालांकि इस बात को वो नकार रहे हैं कि गठबंधन नहीं हुआ है, उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैजिकल जो फिगर होता है जीत में, एक ही वोट काफी होता है, ऐसे में जो वोटों का पोलराइजेशन होगा, जाहिर तौर पर इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है जिस प्रकार से राजनीतिक पंडित आकलन कर रहे हैं, ऐसे में आपके सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन इलाकों के जो विधायक थे, अधिकांश इलाकों में वो विधायक सांसद बन चुके हैं, उनका कद बढ़ चुका है और अब
वो उनकी नाक का सवाल बन चुका है। उनको कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि आप सांसद बन चुके हैं और आपकी जो सीट है, जिस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, वो आपको निकाल करके देनी है। तो बीजेपी इस चुनाव को अगर हल्के में लेती है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। देखिए आशीष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मार्थ काम फलाए राज्याय नमः, धर्म अर्थ और कार्य की सिद्धि करने वाले राज्य को नमस्कार है। और इसी को सिद्ध करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। यहाँ की जनता भी समझ चुकी है, वो भी हमारे साथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन तीनों ही क्षेत्रों में, धर्म अर्थ और कार्यों में, भारतीय जनता पार्टी ही कार्य कर सकती है और कार्य कर रही है जी। राजस्थान की भी स्थिति ठीक इसी प्रकार है। जैसा लोकसभा में इनका गठबंधन हुआ, वो अब ठगबंधन सामने आ चुका है, चाहे वो सलूमबार की सीट हो, चाहे चौरासी की सीट हो, चाहे खींवसर की सीट हो। और मैं आशीष जी पुनः आपसे कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस 3 सीटों पर जमानत जब्त करवाएगी, सलूमबार, चौरासी, खींवसर। 2 सीटों पर वो तीसरे नंबर पर रहेगी, देवली, उनियारा और झुंझुनू, और 2 सीटों पर उनका भारतीय जनता पार्टी। इतना सटीक अगर आप बताएंगे और ये रिजल्ट आप कब तक देते रहेंगे? लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, ईवीएम का स्कोर आपने पढ़ लिया, ये आरोप लग जाएगा आपके ऊपर। ईवीएम का स्कोर आपने पढ़ लिया तो देख रहे हैं आपने, अभी देखिए, अभी आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग का देख रहे हैं, चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये आशीष जी। मैंने बहुत तल्लीनता से इन्हें सुना है, विपक्ष की भूमिका ये निभाएं, बिल्कुल निभाइए, लेकिन तल्लीनता से सामने वाले को सुनना सीखिए, ठीक है। कांग्रेस की स्थिति क्या रही 1885 के बाद से अब तक की? इन्होंने ना कभी जनता की सुनी और ना कभी विपक्ष की सुनी, इसीलिए आज कैसे कर पाती कांग्रेस। पुनः आप जितेंद्र जी, इनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। जितेंद्र जी, आपको समय मिलेगा, आप भी अपनी बात रखिएगा। वीरेंद्र जी को समझिए, किसी स्थिति को जनता को समझने दीजिए कि क्या है। जनता के प्रचंड बहुमत से ही कांग्रेस ने बार बार राज किया था। शर्मा जी आपको बोल रहे हैं कि 2023 का जब परिणाम आया था तो आप विपक्ष में बैठ गए, आपके झूठे इरादे, झूठे वादे सब साबित हुए और जनता ने आपको बिना वोट नहीं देकर विपक्ष में बैठा दिया। आपको कितने बार निकाला? देखिए जितेंद्र जी, मैं पुनः देखिए उपचुनाव की बातचीत करें, जितेंद्र जी मैं उपचुनाव की बातचीत करें ना बोले, उपचुनाव की स्थिति है, आप वहां लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी भी वहां लड़ रही है, दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जनता तय करेगी। इस A1 टीवी चैनल से तय नहीं होने वाला, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए। जो आपके विचार आपने प्रकट कर दिए, अब भारतीय जनता पार्टी जो कहना चाह रही है उससे भी सुनना सीखिए, क्योंकि यही स्थिति है। कांग्रेस इसीलिए आज कमजोर हो रही है क्योंकि ना उन्होंने जनता, फिर आप बीच में बोल रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं सुनना सीखिए ना आप, आपकी स्थिति मैं समझा देता हूँ क्या है। झूठी बातों को नहीं सुनेंगे आप। आपने क्या क्या कही वो सब सुनिए ना, तो सुनना सीखिए आप लोग। जो आपकी झूठी बातें सब सुनेंगे और आप किसी की नहीं सुनेंगे, लेके घूमते हो, बिल्कुल नहीं सुनेंगे आप। तथ्यात्मक बात रखिए, क्या जो कहना है आपको, जो कहना है कह लीजिए। सरकार बनने के बाद राजस्थान में क्या किया बताइए ना आपको, बेरोजगार के लिए क्या किया है आपको, जो कहना है क्या किया बताइए ना आप, कहिए आपको जो कहना है। जब आप पूर्ण हो जाए जब बोल दीजिएगा, मैं एक एक बात। सिर्फ आप मुझे बताइए, भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद आपने क्या किया है, ठीक है, आप बताइए ना। चलिए चलिए, सवाल कर लिया आपने, ठीक है, आप जवाब दीजिए। लेकिन मैं एक पुनः एक बार कहना चाहूंगा, आशीष जी इनसे बोल दीजिए बीच में ना बोलेंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से बहस करना चाहते तो बहस का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर मैं भी बीच में बोलूंगा, कुछ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, कंप्लीट करिए आप। बोल रहे हैं कि बीच में नहीं बोलेंगे जी। देखिए आशीष जी, राजस्थान की स्थिति पूरी जनता के सामने है, चाहे वह सलूमबार की सीट हो। सलूमबार में इनके जो वरिष्ठ नेता थे मीणा साहब, उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस आदिवासियों का कैरियर खत्म करना चाहती है। सलूमबार के इनके ब्लॉक अध्यक्ष, 2 ब्लॉक अध्यक्षों ने वहां से इस्तीफा दिया। नागौर की स्थिति खींवसर में देख लीजिए, इनके पूर्व जिलाध्यक्ष जो पीसीसी के मेंबर भी थे और जिला परिषद सदस्य भी रहे, ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने वहां से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इनका देवली उनियारा में स्थिति देख लीजिए, इनके नरेश मीणा ने क्या कहा, और इनके इनके पूर्व सांसद जो वर्तमान सांसद के भाई है नमो नारायण मीणा जी, उन्होंने क्या कहा कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया। झुंझुनू में क्या स्थिति है, झुंझुनू में जिन लोगों के साथ इन्होंने आज तक राज करते आए, जिन लोगों के भरोसे, जिनके वोट बैंक के भरोसे, जिस तुष्टिकरण की नीति के भरोसे, उन्हीं लोगों ने कांग्रेस कार्य पर प्रदर्शन करते हुए क्या कहा, कांग्रेस ने सदैव हमारे हमें वोट बैंक समझा और हमारा शोषण किया है, इस बार हम कांग्रेस को झुंझुनू में आईना दिखा देंगे। और इन्होंने जिनके साथ गठबंधन किया था, चाहे वह
है, खींवसर हो चाहे वह बाप के साथ सलुम्बर या 84 सीटों, उन दोनों सीटों पर इनका गठबंधन किस प्रकार टूटा है, इनके गठबंधन पार्टियों ने इनके लिए क्या क्या कहा, वो सब कुछ सामने है। और आप स्थिति समझिए, फिर आप बीच में आ रहे हैं ना, आप अपने घर की चिंता कर रहे हैं, आपका घर आपसे संभलता नहीं। सचिन पायलट एक भी मीटिंग में नहीं थे, उनके पास देश में अलग अलग स्टेटों की जिम्मेदारी भी है भाई इतने। अब जब उनको समय मिला है वो आए ना, घर घर गए 2 साल में, उपचुनाव किया, मिल गया समय। आप पूछिए आशीष जी इनसे कि सलुम्बर और 84 में जब नामांकन भरे जा रहे थे तब इनका एक भी प्रदेश का नेता वहां पे नामांकन के समय क्यों नहीं था? क्योंकि कांग्रेस की स्थिति जनता के सामने आ चुकी है, ना इनके पास नेतृत्व है, ना नेता है, ना कार्यकर्ता है। इनका जो संगठन है वो भी सिकुड़ता जा रहा है। राजस्थान में इनकी जो स्थिति हो रही है आप देखिए, 7 सीटों पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मैंने एक एक सीट का आंकड़ा बताया है, इनके पास है किसी सीट का ये बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे इस आधार पर हम जीतेंगे? और मैं तो पूरे आधार के साथ कह सकता हूं कि जिस हिसाब से मैंने कहा, 3 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त, 2 सीटों पर तीसरे नंबर पर, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सीधा साथ मुकाबला, केवल 2 सीटों पर। और उसका कारण है, उसका कारण आशीष जी एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी इन 10 महीनों में जो सेवा, सुशासन और जन कल्याण की नीतियां लेकर आ रही है, जो कार्य किए हैं, वो जो कह रहे थे 15 लाख के MOU, भैया वो 15 लाख के MOU इसलिए हुए हैं क्योंकि इस राजस्थान की पहली रिक्वायरमेंट है बिजली और पानी। बिजली के क्षेत्र में हमने यूएई गवर्नमेंट के साथ अभी MOU साइन किया है। पानी के क्षेत्र में जिन घरों में कांग्रेस केवल जल जीवन मिशन में घोटाला किया, उन 25 लाख घरों में हमने नल की, आपको याद होना चाहिए, राजस्थान से संबंध रखने वाले गजेंद्र सिंह जी से केंद्र में मंत्री थे, क्या किया आपने? सौतेला व्यवहार किया राजस्थान के साथ में, जल जीवन मिशन के आपने सौतेला व्यवहार किया, ठीक है? घोटालों की जांच जांच एजेंसियां करती रहेंगी, मुकदमे दर्ज हुए हैं, जांच एजेंसियां जांच करती रहेंगी। आशीष जी आप देखिए इनकी नीति और नियति में कितना फर्क है, पूरा देश जान रहा है। इन्होंने जहां जहां भी कहा ये हमारी गारंटी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कह रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसी गारंटियां नहीं देनी चाहिए जो पूर्ण नहीं हो सके। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या हालत थी, प्रियंका वाड्रा जी जब नामांकन कर रही थी उन्हें गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया। किस प्रकार की दलित राजनीति की बात करते, एक दलित नेता को गेट के बाहर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इनके स्वयं के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गेट के बाहर खड़ा, दलित नहीं बता सकते हम 36 कौम को साथ लेके चलते हैं, हम भाईचारा कायम रखने की बात करते हैं, ये कोई पर्ची सरकार नहीं है। आपने कहा कि हमारा, आपने हमारे नेतृत्व पर सवाल उठाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मुख्यमंत्री फ्री हैंड हो गए, क्या राजस्थान की कमान संभाले हुए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हैं? जवाब नहीं है मेरे मित्र, कोई जवाब नहीं है। आप अपने राष्ट्र अध्यक्ष को गेट के बाहर रख सकते हैं, जनता और पक्ष तो क्या है, क्या बातें कर रहे हो आप? यही तो आप हमारे बीच में फर्क है, हमारा यही वीरेंद्र जी ने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं, क्लीन स्वीप की बात की जा रही है, कुछ सीटों पर तीसरे नंबर पर कांग्रेस को बताया जा रहा है। देखिए मैं तो जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहूंगा, अभी हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, जिस तरीके से होमवर्क करके आए, ये होमवर्क है या मशीनों में कोई गड़बड़ घोटाला या कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ईवीएम का जो बार बार हम कहते हैं, हम नहीं कह रहे, ये तो आप प्रूव कर रहे हैं, आप प्रूव कर रहे हैं, हमने नहीं कहा, हम हमारे सवाल निशान हमारे नहीं है। ये तो अभी शर्मा जी ने आपके सामने, आप देख रहे हैं जिस तरीके से कहा है कि 3 सीटों पर जमानत जब्त, इनका होमवर्क देखिए, इसको होमवर्क कहेंगे या ईवीएम पर मिली जुली का खेल, मतलब गजब है। चलिए जवाब ले लेते हैं, इसी का जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी देखिए, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में दे दिया गया ईवीएम का, देखिए मेरे मित्र जितेंद्र जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। क्या बात कर रहे हैं, देखिए पूरी बात सुनिए ना, ईवीएम जवाब ले लो, जवाब ले लो, आपने आरोप लगा दिया, आपने आरोप लगा दिया, ईवीएम आप अपनी पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, आपने आरोप लगा दिया, जिस तरीके से बटन दबाया जाएगा उसी तरीके से, ठीक है मान लेते हैं, आपने प्रूव कर दिया, ठीक है मान लेते हैं, आपका आरोप ले लिया, आप जवाब ले लेते हैं। इतने बौखलाया मत करो, पहले पूरे विषय समझिया करो, आपके सवाल का जवाब दिया है मैंने, बौखलाया नहीं, ठीक है आपके सवाल का जवाब ले लो, आपके सवाल का जवाब ले लो वीरेंद्र जी। जितेंद्र जी फिर वही स्थिति है
कि जब जब आपकी हार होती है तब तब आप ईवीएम को दोष देते हैं, चुनाव आयोग को दोष देते हैं, जनता को दोष देते हैं। आप अपनी कमियां कभी स्वीकार नहीं करते। आप इतनी सी बात बताइए, आप विधानसभा चुनाव क्यों आ रहे राजस्थान में? देखो ऐसा है, जनता ने जो निर्णय लिया हमें वो स्वीकार है, ठीक है। सरकारें उससे पहले क्या आपने स्वीकार किया ना जनता ने जो निर्णय लिया? आप बताइए, हमारी जैसी जितेंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी की चिरंजीवी जैसी योजना है जितेंद्र जी साहब, आप देखिए गरीब, जिस गरीब का घर गिरवी रखा जाता था बर्बाद हो जाते वो परिवार, जीवन दान देने का काम किया हमारी गहलोत सरकार ने। इतने सारे काम है कि हम काम जितने काम गहलोत सरकार ने किए उनको गिनाते गिनाते थक जाएंगे। आप ये बता दीजिए सरकार बनने के बाद आपकी सरकार ने क्या काम किया, गिनाइए ना। हो गया आपका, आप गिनाइए, बताइए कि 10 महीने में आपने क्या दिया जनता को? जवाब ले लेते, जवाब ले लेते, क्या दिया है आपने? एजेंडा जो लेके आए थे क्या दिया, बताइए भैया, बताइए। जितेंद्र जी संक्षेप में बताएं, संक्षेप में बताएं कि 10 महीने में क्या दिया है? जितेंद्र जी आप केवल 5 साल तक काम गिनाते रहे, काम किया ही नहीं। मेरे गिनाते नहीं रहे, इतने काम किए, इतने काम किए कि आप तो काम किए ही, आप बौखला गए। आप उन कामों की लिस्ट देके आप बौखला गए, आपके पास जवाब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमें जवाब दीजिए, ठीक है, जवाब दे रहे हैं। ये जनता जनार्दन आपकी सरकार ले, आपने क्या किया गिनाइए, ठीक है, जवाब ले रहे हैं। जितने नहीं बोलेंगे ठीक है, हाँ जवाब दीजिए, जवाब कंप्लीट, बिल्कुल वीरेंद्र जी जवाब। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपने सिर्फ काम अपने अपने आप को ही गिनाए, होटल में रहकर अपने आईना देख। अरे सर आप तो इस सरकार के काम गिनाओ ना भैया। अरे हमने क्या किया, हमारा परिवार कांग्रेस के नेताओं में कि वो रिजल्ट का इंतजार कर सके, वो किसी के बात का इंतजार कर सके, वो किसी के जवाब का इंतजार कर सके। तो जनता इन्हें इसलिए आईना दिखाती है। मेरे मित्र आप समझ लीजिए, रिजल्ट नहीं देखा आपने, जनता ने दिया। अभी जवाब ले लो, अभी जवाब ले लो, उस सवाल का जवाब ले लो। जिस दिन राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाकर उसे विपक्ष में बैठाया, भारतीय जनता पार्टी को यहां का राज दिया, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू किया। और काम शुरू करते सबसे पहले अगर किसी पर कार्य किया तो PKC ERCP योजना के ऊपर कार्य किया, और जो अब धरातल पर दिख रही है। दूसरा जो कार्य किया, देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना को पुनः स्थापित करने का कार्य किया। और तीसरा कार्य किया, यमुना जल समझौता, जिसके लिए हरियाणा में जाकर कांग्रेस ने क्या कहा कि हम इस समझौते को निरस्त करेंगे, लेकिन कांग्रेस के राजस्थान के नेता कुछ नहीं बोल पाए। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जो पेट्रोल डीजल के दाम दूसरे प्रदेशों की तुलना में राजस्थान में ज्यादा थे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते उनको कम किया। चौथा काम क्या किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही सबसे पहले MSP बढ़ाई। जो बाजरा बेचने किसान को हरियाणा में जाना पड़ता था, उसकी MSP बढ़ाकर किसानों का कल्याण का कार्य किया। 5 साल तक जो किसान इंतजार कर रहा था बिजली के कनेक्शन का, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते बिजली के कनेक्शन दिए। और जिस योजना में कांग्रेस ने केवल घोटाला किया, जल जीवन मिशन, जिसमें उनके नेता जेल में जाने को तैयार है, उस योजना में 56 लाख घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचाने की सुदृढ़ व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। मेरे मित्र, कागजों में धरातल में कुछ नजर नहीं आ रहा है। बातें सरकारी नौकरी, देखिए आपके प्रधानमंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने में PhD कर चुके हैं। उसी लाइन पे आप लोग चल रहे हैं। धरातल धरातल में क्या है, कागजों में, बातों में आप PhD हो चुके हैं। आपके प्रधानमंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री, बातों में आप PhD हो चुके हैं, झूठ बोलने में आप PhD। धरातल में क्या काम किया, धरातल में क्या काम किया है? आप अपनी नीति और नियति कब समझेंगे मेरे मित्र? मैंने पहले भी कहा था बीच में ना बोलिए, लेकिन स्थिति आपकी वही है। जहां भी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की भलाई के लिए कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में कार्य कर रही है, वहां आप सिर्फ एक ही बात करते हैं, बीच में आके अड़ंगा लगाना, कोई राष्ट्र हित नहीं है, आप जातियों को लड़ाने का काम करते हो, कोई काम नहीं करते। आशीष जी, आपसे लड़ाने का माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को पुनः बताना चाहता हूं कि कांग्रेस रोटी माटी और बेटी की सुरक्षा भी नहीं कर पाई, वह कांग्रेस क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्यों कहना चाहता हूं, नया एजेंडा लेके आ रहे हैं आप, ये झूठ, ये चुनाव में आप क्यों बरगलाने का काम करते हो, आप क्यों बरगलाने के काम करते हो भैया? चलिए जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, अगर योजनाएं धरातल पर नहीं आई है तो क्या टीकाराम जूली ने जो शिकायत की है कि प्रधानमंत्री आकर के
ईआरसीपी का उद्घाटन ना करें, इस बात की शिकायत की है कि नहीं की है? अगर की है तो क्या इस बात का डर था कांग्रेस पार्टी को कि जनता के बीच में यह संदेश जाएगा कि योजना धरातल पर आने वाली है? डर नहीं था, हमारे प्रतिपक्ष नेता जी ने तो कब फिर क्यों बोला करिए ना काम, काम करने आप दिखाइए ना काम, आप आपने क्या किया? यानी टीकाराम जूली जी की बात को इन्होंने झुठला दिया, क्यों झुठला दिया? ये तो आप लोग करते हो, हमारे तो जूली जी ने सही कहा है, क्योंकि इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं जिन्हें ये आलाकमान कहते हैं उनका स्पष्ट निर्देश है, भैया गोविंद सिंह डोटासरा जी की कोई बात मत मानिए, जूली जी की कोई बात, अरे भैया पर्ची सरकार नहीं चलती हमारे यहाँ, जो पर्ची दिल्ली से आ रही है उपचुनाव में सरकार का खेल नहीं है हमारे यहाँ, उपचुनाव में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं, सबकी सलाह को तवज्जो दी जाती है, एक एक सवाल आपकी तरफ पर्ची थोपी नहीं जाती, समय की सीमा है, सर्वसम्मति से टिकट तो नहीं कर पाए जितेंद्र जी वीरेंद्र जी, समय की सम्मति से आप टिकट तो नहीं कर पाए, आपके पूरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अच्छा, आपको पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा टिकटों के लिए, ठीक है, मैच फिक्सिंग जितेंद्र जी वीरेंद्र जी, समय की सीमा है, आप दोनों से मैं एक एक सवाल लेना चाहता हूं। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता, कांग्रेस में अशोक गहलोत और बीजेपी में वसुंधरा राजे, दोनों ही चुनाव में एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है, ऐसे में क्या उपचुनाव पर असर पड़ेगा? जितेंद्र जी फिर वीरेंद्र जी। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी हमारे गहलोत साहब एक्टिव हैं, किसने कहा, बट उनको महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी, भी सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में उनको महाराष्ट्र का प्रभारी लगाया गया, तो उनके पास महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी है, और जब यहां रहते हैं तो वो सभी नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, उनके बीच में जा भी रहे हैं, अभी आप देखा होगा जोधपुर भी आप गए, उससे पहले भी हमारे गहलोत साहब ने जितनी भी हमारी मीटिंग पीसीसी के अंदर हुई हर मीटिंग में गहलोत साहब रहे, कुछ स्वास्थ्य का भी उनका कुछ स्वास्थ्य का भी है, दूसरा उनके पास महाराष्ट्र की बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल दूर ही नहीं है, आप देखिए ना, आप देखिए सारे नेताओं से उनका लगातार जनसंवाद जारी है, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे, बिल्कुल कतई नहीं है, हो सकता है इनके वसुंधरा जी को इग्नोर कर दें, क्योंकि यहाँ इनके तो पर्ची में ऊपर से आया होगा कि वसुंधरा जी को नहीं पूछा जाए, तो इनकी पर्ची चलती है, हमारे यहाँ पर्ची नहीं चलती भैया, हमारे तो सब नेताओं को ये पूछा जाता है, सबका मान सम्मान रखा जाता है। गहलोत साहब के पास महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है और स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है जितेंद्र जी ने, वसुंधरा जी की क्या कहानी लग रही? देखिए, जिनके नेता ये कहते हैं कौन आलाकमान, वो इस प्रकार की बातें करते हैं, शोभा नहीं देता। वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक महापर्व चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक महापर्व चल रहा है, वो कर्नाटक में उसमें व्यस्त है। तो मेरे मित्र जय, मैंने जो बात कही वो समझिए, आपके नेताओं ने क्यों कहा कौन आलाकमान, याद है कुछ? कभी नहीं कहा, कितनी, अरे ये तो आप बीजेपी यही झुटला रहे हो, कौन आलाकमान धारीवाल जी, क्या हुआ? वही नेता जिन्होंने कहा था मर्दों का प्रदेश है, उन्होंने कहा था कौन आलाकमान, मत झुठलाइए, क्या मर्दों का, मत झुठलाइए, आपने मैंने क्या कहा, रोटी माटी और बेटी की सुरक्षा आप नहीं कर पाए, सिर्फ लड़ाने का काम करिए, उदाहरण दूंगा या विचलित हो जाएंगे, इससे पहले विचलित हो जाएंगे आशीष जी, एक उदाहरण दूंगा या विचलित हो जाएंगे आशीष जी, आप देखिए कि इस क्षेत्र राजस्थान का वागड़ क्षेत्र, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की स्थिति यह है कि 2018 में जब वहां पे केवल 40 गिरजाघर थे, वहां पे 2019 से लेकर 2023 के बीच 250 गिरजाघर बन गए, 1,00,000 आदिवासियों को ईसाई धर्म का धर्मांतरण किया गया, और इनकी सरकार ने उनका पंजीयन भी नहीं किया, ना गिरजाघरों का पंजीयन किया, आदिवासियों की जमीन बेचने का इन्होंने कार्य किया, आदिवासियों की संस्कृति बेचने का इन्होंने कार्य किया, आदिवासियों राजस्थान के उपचुनाव की बातचीत कर रहे हैं, राजस्थान की 7 सीटों के उपचुनाव की बातचीत कर रहे हैं, क्या चीजें बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा साथ क्या लड़ाने के अलावा आप काम करते हो, आप लड़ाने का काम आप करते हो, ठीक है, स्वास्थ्य पे काम करिए, रोजगार के लिए आप काम करिए, ठीक है, 7 सीटों पर उपचुनाव है राजस्थान में, राजस्थान के मुद्दों की बातचीत कर रहे हैं, अंत में मैं चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा कि 7 सीटों पर जिस प्रकार से दंभ भरा जा रहा है कि 7 की 7 सीटें जीतने वाले हैं, परिणाम आपको भी पता है कि परिणाम क्या होने वाला है, सचिन पायलट भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी रैली की है, उसमें भी जबरदस्त भीड़ देखी गई है, ऐसे में टक्कर जबरदस्त देखी जा रही है, लेकिन गठबंधन का नहीं होना इस चुनाव में काफी कुछ डिपेंड करेगा, काफी कुछ इस चुनाव के परिणामों को प्रभावित जरूर करेगा, आपकी क्या इसको लेकर के राय है जितेंद्र जी? मैंने आपको पहले भी बताया कि गठबंधन उस समय की परिस्थिति अलग थी, और जो आलाकमान और हमारे प्रदेश नेतृत्व के बीच में जो तय हुआ, जनता के बीच से जो व्यूज निकल के आए, उस आधार पे हमारा गठबंधन था, नहीं व्यूज आपका हो गया ठीक है, लेकिन जो वोट दोनों के मिला करके बीजेपी को टक्कर दे सकते थे, वो वोट दोनों बीजेपी के सामने डिवाइड हो जाएंगे, तो ऐसे में बीजेपी की राह तो आसान कर दी ना आप लोगों ने? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बीजेपी वालों को लगता है,
हमारे लोकसभा में भी यही बात करते थे, जमाना जब्त करा देंगे। क्या लोकसभा में तो लोकसभा बेनिफिट मिला, जनता 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 जो प्रदेश में 10 साल 10 महीने जो हुए हैं, जनता सरकार ने क्या किया है, जनता सरकार ने जो काम किए, क्या काम तो इनके पास गिनाने गए नहीं। जनता को सबको पता है कि ब्रह्मा में झूठ की मशीन है बीजेपी, सिर्फ झूठ का प्रचार करती है। उसी को देखते हुए युवा बेरोजगार आने वाले उपचुनाव में पंजे पे अपना बटन दबाकर बहुमत हासिल करेंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से गठबंधन नहीं हुआ है ये एक प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए है, लेकिन बड़ी चुनौती ये भी है कि जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं, वर्चस्व वाला उनका इलाका है, और वहां से सीट निकाल करके लाना सत्ताधारी दल के लिए बड़ी चुनौती है। आशीष जी, चुनौती तो कांग्रेस के लिए है, क्योंकि उन सांसदों को भी अपना परफॉर्मेंस दिखाना है जो क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे, और जिसे ये झूठ बोल रहे थे मेरे मित्र हरियाणा के, अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस दिखा दीजिए। मंत्रियों ने क्या किया आपके, मंत्रियों ने क्या किया आपके, बीच में बोलने की आदत क्यों नहीं जाती है? आप अगर झूठ था भारतीय जनता पार्टी का, तो हरियाणा में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्यों कहा कि राजस्थान के साथ जो यमुना जल समझौता हुआ है उसे हम रद्द करेंगे? अरे भैया, राजस्थान आप राजस्थान को हरियाणा गया। अरे राजस्थान को समझ नहीं रहा आपसे, राजस्थान को समझ नहीं रहा आपके पास, नियति की बात करते हो, घर समझ नहीं रहा आपसे, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। इंटरनेशनल लेवल पे आप एक्सपोज हो चुके हो, कब तक ये झूठ का मुखौटा आप लेके घूमोगे? आपके नमो नारायण जी ने क्या कहा, मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया, कब नवंबर के, कब कहा? बहुत अच्छा, इन्होंने तो शांति धारीवाल की बात को झूठ कहला दिया कि उन्होंने कभी बोला नहीं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश, उन्होंने कभी बोला कि कौन आलाकमान। मेरे मित्र, इतिहास का थोड़ा ज्ञान रखिए, तैयारी करके आइए, अपने नेताओं की बातों को झूठा मत बताइए। यह चैनल है, जनता सब जानती है, और एवन टीवी पे आशीष जी, मैं आपसे आज की चर्चा में बिल्कुल शांति धारीवाल के उस कथन को दोबारा दिखाए जिसमें उन्होंने कहा था राजस्थान मर्दों का, समय को आपने तोड़ दिया, समय की सीमा है। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, जितेंद्र जी वीरेंद्र जी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हो आप, कौन जितेंद्र जी वीरेंद्र जी, रोकना चाहूंगा, समय की सीमा है, और इसी वजह से इस चर्चा को यहीं मुझे रोकना पड़ेगा। आप दोनों मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।